अरे राव दे दा पुतला परल तो लाव तू परल ना एक काम कर ना काम ए चल ले फोन तोराशी लाव रे लाव तावला ना तावला जा आता अनारे आला जा लवकर ए ने ए नेदा नेदा उलटा दात लागला उलटा दात लागला अरे बाबा लेट जा ए ने रे ए ने त्याला न्या अरे न्या कोणतरी जा ए नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा ही स्नेक सवार का साथ एक दुर्घटना घटा, आप वीडियो में पहले ही स्टार्टिंग में देखे हुए हैं। दोस्तों, एक स्नेक सवार है जो न्यू जनरेशन का नए लड़के लोग जो देख देख के सांप पकड़ना शुरू कर दिए बिना ट्रेनिंग का, उनके साथ ऐसा घटना इस साल बहुत दुख की बात है। दोस्तों, इस साल लगभग 26 स्नेक सवार का मृत्यु हुआ है पूरे भारत में। बहुत सारे को हम लोग जानकारी मिला है तो यूट्यूब में वीडियो बनाया है उनके ऊपर में, बहुत सारा जानकारी नहीं मिला। तो ये जो एक रवैया चल रहा है इसके लिए हम और पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे बहुत चिंतित है। इसका कारण ये है, इस तरह देखा देखिए, अगर बहुत सारे नौजवान है न्यू जनरेशन के इस तरह करेगा, सांप पकड़ेगा बिना ट्रेनिंग का। इस लड़के को जो देख रहे थे आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये एक रसल व्यापार, इंडिया का मोस्ट बेनवास रसल व्यापार को रेस्क्यू करके एक इतना छोटा सा डिब्बा में डाल के, और ये डाल के क्या कर रहे हैं, आप अगर डिब्बे में डाल भी रहे हैं तो डाल के तुरंत हट जाना, ये रसल वाइपर बाइट कर लिया। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं, यहाँ बहुत चौकन्ना होना पड़ता, बहुत स्पीड होना पड़ता है आपके साथ, आपका तीनों दिमाग दिल और आँख तीनों एक ही जगह में होना चाहिए कॉन्स्टेंट, तभी जाके स्नेक सवार बन सकता है। अब ये कभी भी ऐसा घटना घट सकता है, तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध है, ये जो बच्चा जो कर रहा है इस तरह ना करें। ये इसका अभी एक फिर एक वीडियो आया, एक कोबरा को एक डिब्बा में डाल रहे हैं और कोबरा को डिब्बा में डालते समय उसके मुंह में हाथ लगा हुआ, हाथ घुसा के अंदर तक ऐसे करके डिब्बा में घुसा रहे हैं। मतलब आपको उससे ज़्यादा स्पीड आपके पास नहीं भैया, आप तुरंत हाथ नहीं हटा सकते, वो तुरंत काट लेगा, तो उसको काट लिया और उनका मौत हो गया। लेकिन बोलने में ख़राब लगता है दोस्तों, सिर्फ ये जो यूट्यूब में यूट्यूबर लोग वीडियो बना रहे जितना स्नेक सवार, ये देखा देखिए इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, इतना देख रहे हैं, तो इसको सब जो है तुरंत जो है इसको माइंड में लेके तुरंत जो शुरू कर दे रहे स्नेक सवार सांप पकड़ना, ऐसा काम नहीं करें दोस्तों। इसके लिए आपको ट्रेन होना ज़रूरी है, आप ट्रेनिंग रहे, आपको पढ़ा लिखा करें और फॉरेस्ट में जाए वहाँ जाके सांप पकड़ें बाकायदा इंस्ट्रूमेंट का साथ, इस तरह ना करें। इसको आप देख ले सांप क्या है, कैसे हम डालें। उसके साथ साथ दोस्तों, आप सभी को अनुरोध है, सर्वदंश के बाद तुरंत डॉक्टर का पास आए, इलाज कराए। और एक चीज़ बोल देता हूँ कि जो सांप के बारे नॉलेज नहीं है उनको अगर स्नेक बाइट हो जाएगा ना, वो थोड़ा देर सर्वाइव कर सकेंगे, लेकिन जो आदमी ज़्यादा सांप के बारे नॉलेज है उनको अगर स्नेक बाइट होगा ना तो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। इसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है कोबरा क्या है, रसल वाइपर क्या है, आपको पहले से 10 साल से सांप पकड़ रहे हैं या 2 महीने सांप पकड़ रहे हैं, आप अगर रसल वाइपर के बारे जानते हैं, इतना जहरीला होता है, इतना दर्दनाक मौत होता है, ऐसा जहर जाता है तो काटने के बाद तुरंत आपको मन में तुरंत वो चीज़ आ जाता है, अरे भाई ये तो रसल वाइपर हमको काट लिया, अब क्या होगा, अब क्या। जो अनजान आदमी उसको पता नहीं सांप काटा काटा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ट्रीटमेंट होगा, तो उतना पैनिक नहीं होता। लेकिन जो स्नेक सवार होता है ना, वो काटने के बाद इतना ज़्यादा पैनिक होता है, वो देखता है दिन रात, देखता है ऐसे मौत हो रहा है रसल व्यापार से, कोबरा से, करेत में, और उसको पता है कि इसमें क्या जहर होता है, कितना दर्दनाक होता है, इसलिए स्नेक सवार का साथ और ज़्यादा तकलीफ होता है। तो हम नहीं, ऐसा विश्व में बहुत बड़े बड़े स्नेक एक्सपर्ट है, बहुत बड़े वर्ल्ड लेवल के, वो लोग को भी स्नेक का बाइट हुआ और लोग डेथ करेंगे, क्योंकि तुरंत सोच रहे थे अरे बाप रे ब्लैक मम्बा पॉप हेडर कटा है, ये तो बहुत जहरीला, अब हमको क्या होगा, इतना देर में नहीं पहुँच पाए। तो ये जो डर, इसके कारण जितने न्यू जनरेशन हैं और जो जो नए सांप पकड़ना शुरू करें दोस्तों, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा देखा देखी मत कीजिए। बाप का माँ का एकमात्र बेटा है, परिवार है, सब है, ऐसा ना करें। आप ट्रेनिंग कर ले बढ़िया से, एकदम उसके पूरा परिपक्व हो जाए, जिस दिन आपका मन से बोलेगा हम एक्सपर्ट है, हम सांप पकड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं ये, ठीक है तब करें, लेकिन ऐसा ना करें। बहुत दुख लगता है किसी को सर्वदंश होने का मृत्यु होता है, हो सकता है ये धीरे धीरे ऐसा होगा, इतना ज़्यादा मृत्यु का संख्या बढ़ जाएगा, तो हो सकता है खाली जितना सांप का यूट्यूबर है यूट्यूबर सब बंद करना पड़ जाए दोस्तों,
इसलिए आप सभी को अनुरोध है ऐसा ना करें। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे जितने भी स्नेक सेवर है हम लोग सब मिलके एक स्नेक सेवर एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम जितने भी भारत में स्नेक सेवर है सबको मिला के हम लोग एक संगठित एक एसोसिएशन बनाएंगे, जहाँ पर सभी स्नेक सेवर का एक सम्मेलन होगा। उसके बाद वहाँ पर किसी भी स्नेक सेवर का साथ कुछ भी ऐसा अपना घटे तो हम लोग उस जगह उनको मदद करें, या किसी के साथ कुछ भी हो विपत्ति आपत्ति कुछ भी हो उस समय में हम लोग उनको सहयोग करें, एक दूसरे से जुड़े रहे संगठित रहे, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा दिन तक हम लोग कार्य कर सकें। तो जो भी है तो इसके बारे में सब मिलकर लड़ना है, इसने एक सवार को इसका कम से कम सरकारी परमिशन दिया जाए या उसके लिए सरकार से कुछ अनुदान दिया जाए, जो गरीब है जो दिन रात काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना स्नेक सेवर सभी मिलके एक फंड बना सकते हैं, और उस फंड से किसी भी स्नेक सेवर का साथ कोई भी मुसीबत में हम सभी हाथ एक दूसरे को हाथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये लॉकडाउन के बाद हम लोग इस एक प्रोग्राम रखेंगे, एक सम्मेलन रखेंगे, जिसमें पूरे भारत के जितने स्नेक सेवर हैं सब वहाँ पर आएंगे। आने के बाद हम लोग यहाँ पर एक मीटिंग में डिस्कस करने के बाद इसका निर्णय करेंगे, क्या क्या हम लोग उसमें उस संगठन में क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को अनुरोध है, जितने स्नेक सवार है हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे और जुड़ के ही काम करें, यूनिटी ऑफ द स्ट्रेंथ, एक साथ मिले रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक काम कर सकेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।